वीरेंद्र जी पुरोहित है, आप भी दावेदार थे, बुरा तो नहीं लग रहा है? विरोध होता है, हर पार्टी में होता है विरोध। संगठन सर्वोपरि, संगठन ने जो निर्णय किया हम उसके साथ हैं और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएंगे। वो बिल्कुल नाराजगी नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। पर विरोध 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 भी तो हो रहा है ना कि भाई हमारे यहाँ से नहीं दिया, आदमी बाहर से क्यों आया? देखिए, पटाखे और आतिशबाजी की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, अलग अलग चेहरे जुट रहे हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आगे ही आप फूल मालाएं और इकले ही तैयार है। कुल मिलाकर इन दिनों जहाँ जहाँ ये दृश्य दिखे, समझ लीजिए कोई न कोई राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई न कोई नेताजी आने वाले हैं। और ये दृश्य अभी निकल कर आए हैं नाथद्वारा से, और यहाँ ये तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए विश्वराज सिंह मेवाड़, वो आज पहली बार नाथद्वारा आ रहे हैं। थोड़ा सा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कई नाम है आप रो? वाग सिंह। कशो गाँव है? पाखंड। अच्छा, तो अब कनीरो इंतजार वही रहो, कनीरो वाट नाल रहे हो? हाँ जी, डाल रहे। तो अब के भाजपा यूँ मोटो दाव खेलो है? हाँ। तो कई वही मुकाबलो वेग नहीं वही मुकाबलो वही एक तरफा केरा सीपी साहब काम घणो करायो है, अत्रो होरो रेवेगा नहीं? काम तो जो वेजो कराई कागजो में हुआ है सिर्फ। क्या क्या कह रहे हो? कागजो में हुआ है सिर्फ। अब वो तो भाजपा के सब आप लोग हो, उनके समर्थक हो, तो ये बात तो आपको कहनी पड़ेगी। नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, नाथद्वारा ये नाथुवा से मावली वाला रोड देख लो आप, सिर्फ कागजों में। बाकी क्या गाँव के रोड देखो आज। अच्छा, चलिए, वो जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उस पर भी मैं बात करूंगा, मगर मेरे को तो आप ये बताओ कि चुनाव और राजसमंद जो चार सीटें हैं उसमें कह रहे हैं कि ये सीट इस बार हॉट सीट बन गई है? नहीं, ये सीट हर साल नहीं, ये कोई हॉट सीट नहीं है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हजारों वोटों से जीतेगी। पर विरोध 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 भी तो हो रहा है ना कि भाई हमारे यहाँ से नहीं दिया, आदमी बाहर से क्यों आया? विरोध होता है, हर पार्टी में होता है विरोध। कांग्रेस में तो नहीं हुआ? कांग्रेस में तो एक ही कैंडिडेट है कि दूसरे का दम ही नहीं जो वहाँ तो दावेदार हो सकता है कांग्रेस से। अच्छा, बस। और बीजेपी में 8-10 दावेदार है, सब एक है और चुनाव लड़ेंगे मिलके। अच्छा, तो अब आप इंतजार कर रहे हो, स्वागत की तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, स्वागत की तैयारियां चल रही है। क्या क्या ये सब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या यूँ तो नहीं बड़े उपाय हाँ में हाँ मिलेंगे? सही कह रहा, मतलब मंत्री के नाम के चेहरे पे लड़ते और हर बार यही कह के लोगों को बेवकूफ बनाते, बाकी ऐसे लड़ो आप अब की बार निपटा देंगे। पर लोग कह रहे हैं कि जब राजा महाराजा आएंगे हर बार तो फिर आम आदमी का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं। राजा महाराजा कहाँ है? राजा महाराजा का एक था टाइम, वो हो गया। अब तो लोकतंत्र, अब तो लोकतंत्र में लड़ सकते हैं। क्या आप क्या कह रहे हो? 18-20 साल से वापस इस परिवार की एंट्री हुई है। लोग कह रहे हैं कि मेवाड़ के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है, अगर 19-20 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनकी प्रतिष्ठा कभी दांव पे लगी नहीं सर, उसे नाम से नाम चलता है, प्रतिष्ठा दांव पे लगने का तो कोई तुक है नहीं। अब इंतजार की थोड़ी सी मैं तस्वीरें बताऊंगा आपको कि इंतजार हो रहा है काफी संख्या में लोग, क्योंकि आज पहली बार आ रहे हैं और नारे जयकारे शुरू हो गए हैं, गाड़ियों का काफिला आ चुका है, उस काफिले तक भी आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए आप, ये लोग यहाँ उत्साहित नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ तमाम लोग। तो देखिए आप, नारेबाजी के क्रम है, बाइक रैली के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में राजनीति बड़ी रोचक रही है, हमेशा से राजनीति रोचक रही है, और कहा जा रहा है कि इस बार और भी चीज़ें दिलचस्प होने वाली है। मंगल सिंह जी आगे हैं और ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, पटाखों की आवाज़ों से पता चल गया होगा कि गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। मैं थोड़ी सी और कोशिश करूँगा। वीरेंद्र जी पुरोहित है, आप भी दावेदार थे, बुरा तो नहीं लग रहा है? बात का बुरा, हम तो संगठन के सिपाही है। संगठन के सिपाही है, मगर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। हाँ हाँ, कोई स्वर नहीं है। दो दिन क्या रहने वाला नाथद्वारा में? क्या होगा नाथद्वारा? 100 लीड देंगे, सीट जीतेंगे, पूरा मेवाड़ देंगे। अच्छा, पूरा मेवाड़ देंगे। ये देखिए आप, वो गाड़ी आ चुकी है, मैं थोड़े से आपको दिखाऊंगा विजुअल कि अब वहाँ, ये देखिए आप, विश्वराज सिंह मेवाड़ बाहर आ चुके हैं और खड़े रहो, आराम से आएंगे, एक मिनट। और स्वागत की तमाम प्रक्रियाएं चल रही है, अगर आप देखेंगे तो अब लोगों से मिलने जुलने का, स्वागत का एक क्रम जारी हो चुका है। और आज पहली बार नाथद्वारा आए हैं तो पटाखों की आवाज़ें भी आ रही है, मेरी आवाज़ के साथ साथ जयकारों की आवाज़ भी आ रही है, और हर एक व्यक्ति नाथद्वारा में स्वागत की तमाम परंपराएं चल रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और चेहरों तक पहुंचूं, कुछ और चेहरों से मैं बात करवाऊं आपकी, और यहाँ परिचय की तमाम कवायदें चल रही है। हरदयाल सिंह जी मेरे को दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश इसलिए करूँगा क्योंकि वो भी यहाँ से एक दावेदार के रूप में रहे हैं। ये देखिए लोग लगातार मिलने की तमाम प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी सी कोशिश करूँगा।
हरदयाल सिंह जी है हमारे साथ, आप खुद दावेदार थे और आज स्वागत में लगे हुए हैं। संगठन सर्वोपरि, संगठन ने जो निर्णय किया हम उसके साथ हैं और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएंगे। सीपी जोशी के विकास का क्या तोड़ रहेगा? सीपी जोशी ने जो विकास करा वो जनता जानती है। उससे पहले हमने यहाँ पे क्षेत्र में खूब कल्याण सिंह जी के टाइम पे खूब विकास करा, क्षेत्र में प्रत्येक गांव को डामरीकरण से जोड़ने का काम माननीय अटल जी के टाइम पे जो योजना बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क उसके तहत जुड़े और फ्लैगशिप योजनाओं में सब काम करें वसुंधरा जी और कल्याण सिंह जी के टाइम पे। हम दावेदार सारे एक है, मदन सिंह जी दिख गए, दावेदार सारे एक है। पार्टी ने प्रत्याशी थोड़ा नाराजगी भी दिख रही है, आप भी दावेदार? बिल्कुल नाराजगी नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ है बिल्कुल। क्या रहने वाला नाथू द्वारा में? नाथद्वारा में क्या रहने वाला? कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। ये देखिए आप कह रहे हैं नाथद्वारा में कमल खिलने वाला है और चुनावी माहौल अब धीरे धीरे थोड़ा उबाल पर है, उफान पर है, उसको भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे।